हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, जो कि हमारे जीएसटी रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को शुरू से ले लास्ट तक फ्रेंड जरूर देखिएगा। अगर आपको फ्रेंड मेरा वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते तो फ्रेंड मैं मोटिवेट होता हूँ, और फ्रेंड जब मैं मोटिवेट होता हूँ फ्रेंड मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दें, ठीक है गाइज? तो अपने आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है वस्तु और सेवा कर। फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो फ्रेंड्स इसकी हो जाएगी गुड एंड सर्विस टैक्स। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका आंसर है फ्रांस। उन्होंने फ्रेंड्स फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में? इसका आंसर है 122वें संविधान के तहत। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ध्यान से रीड कीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है 33। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है असम। और फ्रेंड्स, इसने जब ये जीएसटी पारित किया फ्रेंड्स, वो डेट है फ्रेंड 12 अगस्त 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर है कनाडा। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, जो 6th क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को पक्का याद कीजिएगा। इसका आंसर है 1 जुलाई 2017 में। यानी नीचे देखिए, पहले ये 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था फ्रेंड्स, ये 1 अप्रैल को होने वाला था, बट फ्रेंड्स इसकी डेट फिर मतलब महीना बढ़ा दिया गया, तो ये 1 जुलाई को कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? फ्रेंड्स, इसका आंसर है विजय केलकर समिति ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है असीम दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी बिल राज्य तथा लोकसभा में कब से पारित किया गया? इसका आंसर है 3 अगस्त 2016 से। और फ्रेंड्स, लोकसभा में पूछा जाए तो फ्रेंड्स लोकसभा में 8 अगस्त 2016 से। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े? इसका आंसर है विधेयक के पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 वोट, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। इसका आंसर है 8 सितंबर 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? इसका आंसर है 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? फ्रेंड्स, जीएसटी की दरें फ्रेंड 5 प्रकार की हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे दरें, वैसे फ्रेंड दरें नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा कि दरें कितने प्रकार की, तो फ्रेंड इसे पढ़ लीजिए, 0%, 5% एंड 12% और 18% और 28%। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगभग कितने देशों ने जीएसटी अपनाया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 160 देशों ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका आंसर है 2000 में सन में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है, तो प्लीज फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पक्का से मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर है अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ किया गया? इसका आंसर तेलंगाना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी पारित नहीं किया गया? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर का संविधान भारत से एकदम अलग है,
फ्रेंड्स वहां का संविधान अलग है और भारत का संविधान अलग से है। ठीक है फ्रेंड्स, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स का आंसर है 1 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होता है? कारावास फ्रेंड्स मतलब सजा होती है, मतलब इसे आप कैद बोल सकते हैं। इसका आंसर है 5 ईयर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर रहे हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गए हैं? इसका आंसर है जीएसटी पोर्टल। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 ITI कंपनी कौन सी है? फ्रेंड्स इसका आंसर है इन्फोसिस और विप्रो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड अच्छा लगा तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड अपना बेल बटन फ्रेंड जरूर ऑन कर ले फ्रेंड, ताकि फ्रेंड जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो समय समय तक आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।